नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के लगभग सभी इलाकों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। 10 बजे के बाद ही मौसम इतना गर्म हो जाता है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बढ़ती गर्मी के कारण लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो चल रही गर्म हवाओं ने घर की दीवार तो दीवार छत तक को ताप दिया है। गर्मी इतनी तेज है कि लोगों को ना तो घर में राहत है और ना ही बाहर। इतना ही नहीं, गर्मी इतनी तेज है कि लोगों की रात की नींद भी हराम हो गई है। पंखे कूलर भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। ऐसे में अगर आप ऐसे एयर कंडीशनर यानी कि एसी के बारे में जाने जो कि केवल आकार में तो बहुत छोटा है ही, साथ ही इसकी कीमत भी बेहद ही कम हो, तो आप भी जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर ये कैसा एयर कंडीशनर है जो पॉकेट फ्रेंडली भी है, और इसको लगाने के लिए आपको जगह के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर तो जरूर देखा होगा। एक को घर की खिड़की पर लगाया जा सकता है तो वहीं दूसरा घर के अंदर दीवार पर लगाया जाता है। हालांकि ये दोनों ही एयर कंडीशनर आपको कूलिंग देने में कुछ मिनट का समय जरूर लगाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर लेकर आए हैं जो आपके बेड की मैट्रेस पर फिट हो जाता है, और जैसे ही आप इस पर लेटेंगे वैसे ही ये तगड़ी कूलिंग देने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में जरा भी समय नहीं लगता। इस एयर कंडीशनर की खासियत ही यही है कि आपके बेड की मैट्रेस पर फिट हो जाता है। इसके साथ ही स्विच ऑन करते ही कुछ ही मिनटों के अंदर ही ये कमरे को मानिए चिल्ड कर देता हो। हालांकि अभी अधिकांश लोगों को इस एसी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। कीमत की बात करें तो इसके दाम बेहद ही कम है। इस एयर कंडीशनर को Alibaba.com से केवल 15,000 रुपए से 16,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि इस एयर कंडीशनर में एक नहीं बल्कि दो यूनिट्स लगे हैं। इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर ये एयर कंडीशनर तैयार किया गया है। अब सवाल ये है कि ये एयर कंडीशनर दिखता कैसा है, तो हम आपको बता दें कि ये एयर कंडीशनर एक मैट्रेस के साथ आता है ताकि इसको जोड़ा जा सके। एक पाइप के जरिए ये एयर कंडीशनर मैट्रेस से जुड़ जाता है। पाइप भी बेड पर फिट हो जाती है जिसके बाद ये बेहतरीन कूलिंग देना शुरू कर देता है। जिसके बाद ही अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आम लोगों को गर्मी में एसी के खर्चे से परेशान नहीं होना होगा। आपके अनुसार बढ़ती गर्मी में आप किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।